स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से पे न्यूज़ में। कल जैसे ही 9 बजे और फिर दिल्ली जैसे शहर में 1.5 घंटे के करीब आतिशबाजी और लाइट जगमगाने का कार्यक्रम चलता रहा। शायद वो कुछ और ही तरीके की तस्वीर बना रहा था। सभी बिरादरी, धर्म और धार्मिक धर्म कांड के लोग थे जो भी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर शरीक हुए और जिस तरह से लोग पटाखे फोड़ रहे थे। भारत एक पहला ऐसा देश होगा जो आपदा की घड़ी में भी खुशियां बनाता नजर आया। कोरोना के डर से ही सही, लोग घरों में थे, वाहन सड़कों पर न के बराबर थे, जिससे वातावरण साफ होने लगा था। पर इन सब के चलते उसको भी खराब किया जा रहा है। सोचिए एक बार गौर से, पटाखे फोड़ के, आतिशबाजी करके खुशियां मनाई जा रही है, वो भी बिना किसी मतलब के। और तो और, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री, गृह मंत्री, हर कोई इसको प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसे कुछ लोग रह जाते हैं जो अकेले पड़ जाते हैं और उन जैसे लोगों के कहने के लिए ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता, और ऐसे कुछ लोगों का ऐसे समाज में कोई दबाव नहीं रह जाता। अब मैं मीडिया के बारे में खबर बताता हूँ। प्रयागराज पुलिस ने अब क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि कई बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार ऐसा कह रहे थे कि मुसलमानों ने एक निषाद को मार दिया क्योंकि वो उसको जमाती कह रहा था। सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शन देखे जा रहे हैं। जिस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे थे, देश भर से रिपोर्ट्स और वीडियोज आई थी। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ किसी इशारे से हो रहा है। एक इशारा होता है कि मैं किसी के कपड़ों से यह पहचान सकता हूँ कि वह कुछ करने वाला है। दिल्ली दंगा हो या नोटबंदी हो या कुछ और, इस तरह से लोगों को धार्मिक कर्मों में, धर्म के चश्मे में पिरो दिया जाता है। लोग अब उनको सही गलत निर्णय में लगे हैं। ये सही गलत का निर्णय उनसे तो समझ में आता है जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया या जिनको मजदूर बना के रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ी लिखी जातियाँ, जो पढ़े लिखे किसान या नीची जाति के पढ़े लिखे जो लोग हैं, आज हमारे एक संवाददाता की कई लोगों से बात हुई इन्हीं सब बातों को लेकर। तो उसने उनसे पूछा कि आप क्यों मोदी जी का सपोर्ट करते थे, तो उनकी लगभग एक सी राय थी क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के लोग थे। तो उनका कहना था कि वो मोदी जी को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि वो मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप किसी दूसरी जाति में जन्म लेते तो भी क्या आप ऐसा सोचते? तो मैंने सोचा कि शायद हम ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते हैं। इस सब के बाद निष्कर्ष यही निकल के आया कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक एवं पारिवारिक घटनाएं ही ऐसी सोच ठीक कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर मोदी जी की काफ़ी आलोचनाएं हो रही थी। मोदी जी अंधविश्वासी हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी बातें चल रही हैं। सोचो अगर अंधेरा ही करना था तो बल्ब बुझाते, लेकिन बल्ब से उल्टा मोमबत्ती की ओर हम जा रहे हैं। सोचिए एक बार आप जिस वायरस को सूर्य का प्रकाश नहीं मार पाया, उसे क्या मोमबत्ती से मारा जा सकता है? तो ये तो तय है कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इस देश का जो राइडिंग तबका है वो कांग्रेस के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, वो राइडिंग तबका है जो आरक्षण के खिलाफ है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ है, जो राइडिंग तबका है वो गुजरात के दंगे में था, जो राइडिंग तबका है वो ही जाटों को मारता है जब वो आरक्षण मांगते हैं, वही पटेलों को मारते हैं जब वो आरक्षण मांगते हैं। यही वो राइडिंग तबका है जो मोदी जी के साथ बना हुआ है, और उसी से मीडिया हो या ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, बिजनेस हो, विरोध करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो संसाधन विहीन है, सत्ता विहीन है, और जो भी लीडर ऑफ प्रीपोजिशन है
उनकी आवाज़ दबी हुई है क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बोलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन कोरोना फिलहाल किसी की जाति धर्म देखकर भेदभाव नहीं करेगा। अगला टास्क हमें क्या मिलने वाला है ये हमें नहीं पता, और लेकिन हमें ये पता है कि ये क्यों दिया जा रहा है हर सप्ताह हर दिन, ताकि जो मुद्दा है उससे ध्यान हटता रहे। चाहे वो इक्विपमेंट्स का मसला हो, डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला हो, इलाज का मामला हो, अगर कोरोना इसी तरह से बढ़ता गया तो हम सब मरने के लिए मजबूर होंगे, और तब हम सब मर चुके होंगे। ना ताली बजाने की बात आएगी, ना थाली, ना आप सवाल पूछने के लिए रहेंगे। अच्छा है अगर आप दिया मोमबत्ती जलाने की जगह किसी गरीब का चूल्हा जलाएं। ये पटाखे जलाने वाले वही लोग हैं जिनके घरों में तीन तीन चार चार महीने का राशन है, जो सेफ जोन में है, जिनके पास तीन चार या कई सारे फ्लैट हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, ज़मीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं। अगर हासिए ये हैं तो वो गरीब हैं जिनका चूल्हा नहीं जल रहा है, और कोई है जो पटाखे फोड़ कर जश्न मना रहा है। ये एकता नहीं है, ये किसी की भूख पर, किसी की लाचारी पर मजाक है। अगर एकता होती तो पैदल चल रहों को खाना मिलता, राशन मिलता। ये सरकार सिर्फ कुछ उन लोगों के लिए फिक्रमंद है जो इनके लिए पटाखे जला रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, पटाखे जलाने से अच्छा किसी गरीब का चूल्हा जलाइए। शुक्रिया।